बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नबी। आज की सुर्खियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, वालिदैन असातिज़ा तलबा लोगों की अक्कासी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। असातिज़ा और तलबा कौमी तालीमी पॉलिसी से सरजमी की अजमत को बहाल करे सदर हिंद रामनाथ कोविंद। ज़ियारत दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह में दुरूद व अज़कार की महफिल मुनक़द, अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद की शिरकत। गैर महाजर कश्मीर पंडितों का हब कदल में इंतजामिया के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू। पंजाबी जुबान को जम्मू कश्मीर सरकारी जुबानों में शामिल न होने पर पंजाबी लोगों का एहतजाज। आरएसपुरा के साथ पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर भारी मकदार में ड्रग्स और हथियार बरामद, बीएसएफ का दावा। भारत में बड़ा तबका कश्मीर से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर तनकीद कर रहा है, पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह मोहम्मद यासिन कुरैशी का बयान। केलर का शाड़ी मरग रोड की तामीर पर बीजेपी लीडर जावेद कादरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर और बशीर खान का शुक्रिया। अस्करियत पसंदों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर नौगाम में हमला, कोई भी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 86,961 नए केस आए सामने, 1,130 की हुई मौत। बड़गाम पुलिस ने ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार, जिनसे साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस हुए बरामद। फॉलो करो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल। आप जुड़े रहें कश्मीर लाइव के साथ, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।